कार्य को शुभारंभ करवाया। जान सुओ सरुसीय तब पठिगी जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकले सादर चली निभाई। जिस समय सीता जी को रंगशाला में लाया गया, आज उनकी सुंदरता का वर्णन से शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए परशुराम लक्ष्मण जी जहां भी हो, हाँ हमारी समिति से अनुरोध है कि उनको श्रृंगार कक्ष में लेकर के आ जाएं। दोनों पहलवानों को धन्यवाद। सिय शोभा सिय शोभा नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदाम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी। चलो सुकुमार पिया प्यारी हो, देश देश के राजा चुरे हैं, राजा चुरे हैं महा राजा चुरे हैं, हो देश देश के राजा चुरे हैं, राजा चुरे हैं महा राजा चुरे हैं, कर कर के अपे नो श्रृंगार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुख पारी सिया प्यारी हो।
देखिए राजा जनक जी ने एक बार पुनः अपने चतुर बंदी जनों को बुलवा करके अपने प्रण की घोषणा करवाई। तब बंदी जन जनक बुलाए विरदावली कहत चली आए। मिथिला के चतुर्बंदी जनों और माता जानकी जी के चरणों में भाई राहुल यादव, अप्पू दादा अतरौली और रॉयल पंडित आप लोगों की ओर से 21 मुद्राएं सीता जी के चरणों में समर्पित है। धन्यवाद। एक बार हमारे प्रण की पुनः घोषणा कर दी जाए ताकि कोई भी क्षत्रिय महिपाल ये ना कह सके कि महाराज हमने आपका प्रण नहीं सुना। अस्त हमारे प्रण की पुनः घोषणा कर दी जाए, घोषणा कर दी जाए। बोले बंदी बचन वर सुनाओ सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहीं हम भोजा उठा ये विशाल। देश देशांतर से आए हुए महिपालो एक बार पुनः महाराज जनक की घोषणा को सुन लिया जाए। जो भी राजा भूत भवन भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में विभाजित करेगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। इसलिए सभी राजा आए और अपने बल का प्रदर्शन करें, जिसके द्वारा प्रतिज्ञा को चढ़ाया जाएगा, धनुष को दो खंडों में परिवर्तित किया जाएगा, उसी के साथ में सीता का विवाह किया जाएगा। सुनिपन सकले भूप अभिलाषी भट मानी अतिशय मनुमाखे परिकर बाधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। कहाँ धनुष? अरे ये देखिए सामने वेदी पर स्थापित है। ये इतना छोटा धनुष, ये छोटा दिख रहा है। अरे इसको तो मैं यूं मसल दूंगा। अरे वाह, और क्या, तो फिर देरी किस बात की उठाएं? एक काम ना हो जाए? कौन सा काम? तोड़ना ना पड़े, कोई उपाय है? नहीं, ऐसा तो कोई भी उपाय नहीं है। जैसे ये अकेले हाँ ना टूटे हाँ तो फिर कैसे तोड़ा जाएगा? अगर अकेले ना टूटे तो सभी लोग जितने यहाँ पर उपस्थित हैं राजा, 10,000 राजा सब मिल करके उठा को एक बार प्रयास कर लो। अच्छा, 10,000 राजा मिलकर टूट डालेंगे? ठीक। तो भैया स्वयंवर किसके साथ में होगा? तो फिर उनमें युद्ध होगा। अच्छा, जब लड़ते करते मर जाएंगे, जब जिसमें से एक बचेगा उसके साथ में स्वयंवर हो जाएगा। बड़ा भर रहा है ब्याह, पहले गोली चटके फिर ब्याह हो। खैर तो रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। उठाओ लगाओ बल, थोड़ा गर्म हो। हनुमंता, हे बजरंगा, एक कहीं मोर करता दे या धनुष टोटार के तखत के नीचे धर दो दे। हनुमान ओ हनुमान खबर नहीं रणुवन की, हनुमान खबर और देखिए समिति से कोई भी व्यक्ति हो, देखिए परशुराम जी लक्ष्मण जी को जहाँ आप ले गए हो लिटाने के लिए, कृपा करके उनको जगवा दें और उनको उठा करके यहाँ ले आवे। भैया ने बेदर कि हमारे समिति के लोग जहाँ भी वो सो रहे हो कृपा करके, क्योंकि उनका काम आने वाला है। धन्यवाद। अम्मा कता 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 कदुआ कता कदुभा कता कच्चा कता कच्चा चा कता कन्ना कता कन्नाई कता कदाई कता कन आमोरी छाती माँ घोटा घोस गई हनुमान खबर लियो। Don't talk.
तखत नीचे धरो से हनुमान खबर लइयो ताक 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 दुआर ताक सुभा ताक जकी ताक जीजा के ताक आ खाती मां भज्जा हनुमान खबर लइयो लगाओ बल अरे मोर भाई अरे क्या हुआ अरे यार हमें चिरक दो हट निकल जाओ यहां से समझ लिया बहुत बल लगाया जाओ 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 तुम्हारी बस की बात नहीं है। देखिए राजाओं ने प्रयास पूरा किया धनुष तोड़ने का आज राजाओं ने दगई न शंभू सरासन कैसे कामी बचनु सती मनु जैसे जिस प्रकार से कामी पुरुषों के बचनों से सती का मन नहीं दिगा करता आज वही स्थिति राजाओं की हो गई। तमकता की तक शिव धनु धरही उठे ही न कोट भांति बल कर रही और यहां दो चार राजा नहीं आए भूप सहसी दसु एक ही बारा लगे उठावन तरही न तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया अरे तोड़ना तो दूर की बात कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। ऐसा महाराज जनक ने देखा कि ये जितने राजा हैं सब श्रीहत हो गए हार गए और हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा बैठे निज जागी समाजा। अब राजा जनक जी के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं की ओर करने लगे। क्यों? क्योंकि राजा जनक जी ने देखा कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व में ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। परंतु वाहरे दुर्भाग्य अब वही राजा लोग गर्दने झुका करके बैठ गए। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जन सा